दोस्तों नमस्ते। नमस्कार साथियों, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत बधाइयों के साथ आज का ये विशेष कुछ बातें कुछ गीत लेकर मैं आपका अच्छे चाचा और मैं प्यारी बुआ हाजिर है जी। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। श्रोताओं की प्यारी बुआ जी। अच्छा, मतलब आप स्वीकार नहीं करते, और भाई चलिए ठीक है, मान लेते हैं श्रोताओं के अच्छे चाचा। ऐसे मौके पर हम लोग एक हो जाते हैं जब साथियों से मिलना हो। बिल्कुल, क्योंकि अब इनके सामने तो हम झगड़ा कर नहीं सकते, वरना तो आपके हमारी जो सांप और नेवले की लड़ाई है। अच्छा भाई, हमने तो कभी नहीं माना, जब अभी ये स्टूडियो में तैयारी करनी थी तो हमें एकजुट तो होना ही पड़ा। और अभी श्रोताओं आप देख रहे हैं कि अभी भी तैयारी थोड़ी थोड़ी चल रही है जी। क्योंकि घर का भी काम था, यहाँ भी त्योहार मनाना था, और अमर गांधी जी मतलब कि श्रोताओं के अच्छे चाचा। अच्छा ठीक है ना? हाँ, बताना जरूरी है, यही तो हम कह रहे हैं कि ये बात तो वर्ल्ड फेमस है कि श्रोताओं के जब साथ जब हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसकी खुशी चौगुनी हो जाती है। तो आज जो त्योहार है ज्योति पर्व है, तो कुछ हम और भी प्रकाश फैलाएं। हाँ बिल्कुल, प्रकाश फैलाएंगे। तो पहले ज्योति कलश प्रज्वलित कर लेते हैं जी, उसके बाद आगे की बातें जो हैं वो तो जारी रहने ही। लेकिन फेसबुक पर हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि ये जो त्योहार है ज्योति कलश छलके, ये गीत बहुत उम्दा गीत है और इस त्योहार के लिए जैसे लिखा गया है। बिल्कुल, तो हमारे श्रोता ये गीत तो सुन ही रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा कि बहुत उम्दा गीत है, तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही सुखद संयोग है जी कि इस गीत की रचना भी जी उन्हीं ने की है जिन्होंने विविध भारती की नामकरण किया है। विविध भारती की परिकल्पना जिनकी रही है, पंडित नरेंद्र शर्मा जी का लिखा ये गाना है जी। और पंडित नरेंद्र शर्मा की ही देन है जो ये विविध भारती नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, पूरी परिकल्पना पंडित जी की है, और बहुत सारे कार्यक्रमों का नाम भी उन्होंने दिया, और इतना सटीक दिया कि जिसको कह सकते हैं ना कि अच्छे चाचा की उसको मतलब थोड़ा भी खिसकाने में बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल, इतना सही है नाम। और जैसे अनुरंजनी या बाद में अभी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी जय माला चाहे जो भी नाम हो। हाँ। और नाम के साथ साथ कार्यक्रमों की परिकल्पना भी पंडित जी की रही है। बहरहाल आज दीपावली की बात हम कर रहे हैं, और दीपावली में इस समय जो स्थितियां देश में हैं, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा दोस्तों जी, ये आपको कोरोना को भूलना नहीं है जी। हाँ, लेकिन ये जो प्रकाश है, अच्छा चाचा ये देखिए जी, प्रकाश जो है कहते हैं ना, अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य, यानी कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, सिर्फ ये प्रकाश नहीं बल्कि ज्ञान के प्रकाश की ओर चलें, यानी अज्ञानता का जो अंधकार है उसको किसी तरह से मिटाएं, और सब लोग अगर शिक्षित हो जाएं और ज्ञानी हो जाएं तो सोचिए कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और ज्ञान का प्रकाश जब तक आपके अंदर नहीं फैलेगा, जब तक आपके अंदर ज्योति नहीं प्रज्वलित होगी, तब तक बाहर का कितना भी ज्ञान आप समेट लें उससे कोई लाभ नहीं होगा। जी हाँ, और कल हमने जैसे कि कहते हैं नरक चौदस मनाई, कुछ लोग उसको जैसे नरका चौदस कहते हैं, नरक चतुर्दशी कहते हैं, वही हम लोग कुछ लोग उसे रूप चौदस भी कहते हैं। तो रूप चौदस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बाह्य आवरण खूबसूरत कर लें और रूपवान हो जाएं, बल्कि उपटन लगाने की जो परंपरा है वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं से हम अंदर से कांतिमय हों और वो खूबसूरती हो जो किसी और बाहरी आवरण के मोहताज न हो, यानी कि उसके सहारे न हो। अब यहाँ पे आपने जब नरक चौदस की बात की है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे श्रोता जो गोवा मुंबई की तरफ रहते हैं जी, वो तो जानते ही होंगे कि गोवा में नरक चौदस के दिन नरकासुर का एक पूरा एक आयोजन होता है, और ये नरक चौदस का विशेष पर्व वहाँ गोवा में पंजिम में मनाया जाता है पूरे गोवा में। क्या बात है? और मतलब ये हमारा देश जो है ना, अनेकता में एकता वाली बात है जी। हाँ। हर जगह हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व होता है, और अलग रंग अलग रूप से अलग तरीके से मनाया जाता है। और भाई हमारा जो चैनल है विविध भारती, तो उसमें विविधता है, वही हमारे देश में विविधता है, त्योहारों में विविधता है, उतनी ही भाषाएं हैं, उतनी ही बोली है। और ये जो ज्योति कलश छलक रहा है, हमें लग रहा है कि हमें एक बार फिर जुड़ना होगा जी कार्यक्रम से।
तो दोस्तों, जो श्रोता अभी हमारे साथ फेसबुक पर नहीं थे, वो गाना सुन रहे थे ज्योति कलर स्टाइल के, और भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये गाना जी। सुधीर फड़के जी ने इसकी धुन बनाई, और सुधीर फड़के जी ने जहां ये गाना बनाया वहीं एक और बहुत खूबसूरत गाना उनका कॉमेडी जो कल्पना नहीं कर सकता कोई सुनवाने जा रहे हैं क्या? नहीं, वो नहीं सुनवाएंगे लेकिन हम तो बात यहाँ क्योंकि श्रोताओं का थोड़ा ज्ञान वर्धन भी करते चले कि वो पहली तारीख का जो गाना है ना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, उसकी धुन भी सुधीर फड़के जी ने बनाई थी। बहरहाल अब हम दिवाली की बात करते हैं, और जब दिवाली की बात करते हैं तो दियों की बात आती है, दियों की बात आती है। आज कुछ प्रश्न नहीं देने वाले हैं क्या? प्रश्न हम देने वाले हैं दोस्तों, आपको इंतजार होगा कि आज थीम क्या है। तो थीम के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक दो गाने दिवाली के हम आपको सुनवाने के बाद कुछ ऐसे गाने आपको सुनवाएंगे जी। कौन से गाने सुनवाएंगे? कुछ ऐसे गाने हम आपको सुनवाएंगे कि जिनसे आपको जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको कोई सबक दे रहे हो, या जिन गीतों से मैं आपको लगा हो कि ये बड़े सबक वाले गाने हैं, यानी कि जीवन का दर्शन या जीवन का हमारे कोई सिद्धांत बताते हो, या कुछ लगता हो कि ऐसा संदेश दे रहे हैं कि हमें जीवन जीने का तरीका बता दे, ऐसा जी। हमारे बड़े बूढ़े कई बार हमको सबक देते हैं। अच्छा चाचा, आप नहीं देते हैं सबक? हाँ, सबक तो देते हैं, अभी सबक देने का टाइम अभी आया नहीं, अभी जरा उन गानों की तरफ जब हम बढ़ेंगे ना तो हम सबक भी देंगे। मैं श्रोताओं, आप फेसबुक से हमसे जुड़ जाइए और अच्छे चाचा से कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं। तो फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा आपको, facebook.com/vbsmumbai पर जाना है और बस जुड़ जाना है। और हमारे बहुत से श्रोता जो अभी तक फेसबुक को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जो फॉलो नहीं किया है, वो जल्दी से उसे फॉलो कर ले ताकि नोटिफिकेशन भी उनको आते रहे जी। हाँ। बराबर कि कब कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, कब हम फेसबुक पे लाइव आने वाले हैं, यानी कार्यक्रमों का प्रकाश भी आप तक पहुंच जाए। बिल्कुल, कार्यक्रमों का प्रकाश तो आप तक पहुंचेगा ही, और अब दियों का प्रकाश भी हम उन तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा गाना सहगल साहब क्या ये श्रोता हमारे बताएंगे कि ये गाना कैसा था। यही तो हम कह रहे हैं कि ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जब हमारे श्रोता बताते हैं कि ये गीत कैसा है तब हमें ज्यादा मजा आता है। तो उनसे हम ये पूछ लेंगे कि बताइए ये किस फिल्म का गाना है और ये फिल्म किस सन में रिलीज हुई। तो सहगल साहब क्या आवाज है, ये हम बता देते हैं। चलिए, लीजिए दिया तो जल गया। सहगल साहब की आवाज में ये प्रकाश और फैल रहा है, क्या बात है। और इनका इनकी आवाज में जो सुर फैले हैं उनका अनुकरण उनके उसके प्रकाश में कितने ही और गायक सिंगरों ने अपनी शिक्षा को अपनी सीख को प्रकाशित किया है जी। तो रेणु जी, आप कुछ हमारे थीम के बारे में बात कर रहे थे कि क्या थीम होगी। भाई देखिए ना, ऐसा है कि हम उतने उम्र दराज नहीं हुए हैं जितने के अच्छे चाचा हो गए हैं, तो भाई जीवन दर्शन की बात तो यही करेंगे हम। ये बता सकते हैं कि आज के दिन तरह तरह से रंगोली सजाते हैं, सब लोग घर के दरवाजे पर स्वागत करते हैं, और त्योहार तो परसों से शुरू हो चुका है ना, धन त्रयोदशी, फिर नरक चौदस, फिर आज दीपावली, कल हो जाएगी गोवर्धन पूजा, अन्नकूट भी जिसे कुछ लोग कहते हैं। यहीं पर एक बात और बताना चाहते हैं अच्छे चाचा कि काशी में एक परंपरा है, वहां पर अन्नपूर्णा जी जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, और वहां पर एक सोने की प्रतिमा है अन्नपूर्णा जी की, और वो सिर्फ और सिर्फ अन्नकूट के दिन यानी आज रात से सिर्फ दो दिन के लिए वहां का दर्शन खुलता है, और वहां 56 भोग लगते हैं, और इतने तरह के व्यंजन भोग लगते हैं, और अनवरत यानी कि 24 घंटे दर्शन खुला रहता है, क्योंकि सिर्फ वर्ष में दो दिन के लिए माँ अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। वो सोने की प्रतिमा है, तो जाहिर है कि बहुत विलक्षण दुर्लभ प्रतिमा है वो, तो इसके लिए रात में आप 2 बजे 1 बजे जब आपको मौका मिले आप दर्शन करते हैं वहां लोग, और इस तरह से ये मतलब कह सकते हैं कि उनसे कामना करते हैं कि हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। अब यहाँ मुझे भी एक बात याद आ गई, मैं भी गया था वहाँ दर्शन के लिए, वहाँ दर्शन करने के बाद जो प्रसाद मिलता है चावल मिलते हैं जी, और ये कहा जाता है कि वो चावल धान जो है जो अपने अन्न भंडार में रख लेता है, फिर उसका अन्न भंडार कभी समाप्त तो नहीं होता, ऐसी मान्यता है। देखिए, मान्यताएं हैं बहुत सारी, और ये इसलिए सिर्फ है कि जो धान जो होता है कहते हैं बहुत सस्ता सा अनाज है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी उपेक्षा करें, हम उसको भी उतने ही सम्मान से, जैसे कि दालें महंगी होती हैं लेकिन धान उतना महंगा नहीं होता है, तो हम उसको उतना सम्मान दें, क्योंकि हमारे लिए कह सकते हैं कि जीवन रक्षक है ये सब। बिल्कुल सही कहा, स्टेपल फूड जिसको कहते हैं ना, स्टेपल फूड है ये, तो इनसे हमारा पेट भरता है, तो हम उतना ही सम्मान करें। जैसे इसी से एक बात और याद आती है कि जब नमक की जैसे बात आती है, बहुत सस्ती ये नमक की बात श्रोताओं की प्यारी बुआ जी थोड़ी देर में करेंगे, फिलहाल वो जो आप रंगोली की बात कर रही थी उसे हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो अब वापस हम फेसबुक के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से दोनों से जुड़े हुए हैं अपने श्रोताओं से। तो जो आप रंगोली के बारे में कह रही थी, तो रंगोली एक बड़ा ही पारंपरिक और ऑस्पिशियस यानी बड़ा पवित्र और धार्मिकता, एक बड़ा क्या कहना चाहिए कि सकारात्मकता फैलाने वाला एक जो समझ लीजिए कि यंत्र है, यंत्र कह सकते हैं या एक तरीका है कह सकते हैं। और देखिए अब रंगोली ने नया रूप ले लिया है, हम तो यही कहेंगे। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ चावल के आटे से पूरी जाती है रंगोली, हम लोग इसको कहते थे चौक पूर्णा। अगर उत्तर भारत की और मध्य भारत की हम बात करें तो हमारे देश में कई जगह कहते हैं चौक पूर्णा। तो पहले सिर्फ आटे से, जो घर में गेहूं का आटा होता था घर में, जैसे कि जब भी घर में शादी विवाह या कोई भी धार्मिक कृत्य होता है तो सबसे पहले चौक पूरा जाता है, यानी कि ऐसे चौकोर चौकोर करके कुछ रंगोली जैसी बना दी जाती थी जो हम लोग बचपन में देखते थे। अब उसमें रंग आ गए तरह तरह के, पहले उसमें थोड़ा सा रोली या हल्दी बहुत होता था, तो पिसी हुई मेहंदी का रंग डाल के, यानी लाल पीला हरा और सफेद, ये चार रंगों से बनाई जाती थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि चावल दाल गेहूं इन सब चीज़ों से सजाया जाए इसे, लेकिन फिर अब तो बहुत तरीके से जो रेत है वो रंगीन मिलने लगी है और उससे इतनी खूबसूरत रंगोली बनती है कि पूछिए मत। तो कह सकते हैं रंगोली की जो बात आप कर रही हैं, क्यों ना हम भी अपनी विविध भारती की सुरीली रंगोली जो है श्रोताओं के दरवाजे तक पहुंचा दें। बल्कि हमारी कोशिश तो उनके ड्राइंग रूम, उनके किचन, उनके बेडरूम, हर जगह विविध भारती का स्वर गूंजता रहे, ये हमारी कोशिश चलते फिरते। लेकिन जब बात रंगोली की है तो दरवाजे पे बड़ी अच्छी लगती है, तो क्यों ना ये एक सुरीली रंगोली पहुंचा देते हैं। भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जब विविध भारती से सुरों की महफिल सजती है तो सुरीली होती है और हमारी जो भी श्रोता है वो जहाँ कहीं भी रहते हैं उसका पूरा आनंद ले लेते हैं। तो लीजिए आनंद उठाइए, किशोर कुमार साहब की आवाज है, फिल्म का नाम आपको बताना है। अभी जो जगाते चलो गाना कब कर रहा है तो दोस्तों तो दोस्तों ये गाना आप सुन रहे हैं, इसकी फरमाइश कल भी हमारे कुछ मित्रों ने की थी पता है। हाँ आप कल सखी सहेली मेरी श्रोताओं से जुड़ी हुई थी, तो जाहिर है अभी देखिए मैं इस समय ये देख रहा हूँ अपने कमेंट्स में देख रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि समझौता गमों से कर लो गाना सुनवाइए। जाहिर सी बात है उसमें भी एक दर्शन छिपा हुआ है कि भाई गमों से घबराइए नहीं और जो है जो समझौता है वो करके चलिए। सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, समझौते की जहाँ तक बात है, गमों की जहाँ तक बात है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन वैसे एक बात और भी है कि प्यार की जोत अगर हम एक दूसरे के साथ जलाते चले, मिलाते चले, तो जाहिर सी बात है कि गमों का जो दौर होता है वो कहीं कम हो जाता है। देखिए ये त्योहार आते इसीलिए हैं कि कहीं कहीं अगर हमारे मन में कहीं कुछ खटास है, कुछ अब हम लोग प्रत्यक्ष उदाहरण है इसके, है ना, नोकझोंक होती रहती है, लेकिन आज त्योहार है तो भाई हम मिल बैठे और हमने चाचा से समझौता कर लिया और चाचा ने भी हो सकता है कि हमसे कर लिया, वो बता बिल्कुल नहीं। अभी तो करना तो पड़ेगा ही भैया, वैसे देखो ऐसा है कि महिला शक्ति के आगे तो झुकना ही पड़ता है, अगर नहीं झुकेंगे तो घर में दाल रोटी मिलना मुश्किल है। बोलो हाँ है कि नहीं, अब सही इसका जवाब बिल्कुल दीजिएगा हमको, हम फेसबुक पे बिल्कुल सुनना है हमसे, हमें आपसे कि कितने लोग अपने घर में महिला शक्ति के आगे हथियार डाल देते हैं, इसका जवाब जल्दी दीजिए और अगले गाने की भी प्रतीक्षा कीजिए। अभी इनको हम बोलने नहीं देंगे, यही तो ये मारेंगे छक्का। यही हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पर तो महिला सशक्तिकरण की जो बात है ना, वो आपको रोटी मिलने की बात है, यहाँ तो माइक मिलने की बात है, इनको माइक नहीं मिल पाता है अगर हम बोलने लगते हैं तो। यहाँ पर रोटी का मामला नहीं है, थोड़ा माइक का मामला है, श्रोताओं से जुड़ने का मामला है। तो अच्छे चाचा मतलब बस पकड़ लिया इन्होंने और आज
लगा लिया चौका, चौका ही लगा पाए हैं हम तो, छक्का लगाने के लिए हम तैयार हैं। गाना हम कुछ सुनेंगे या कुछ बातें करेंगे? अब एक हमारे श्रोता है वो कह रहे हैं कि आम दुनिया ठन्नी खर्चा रुपया का गाना सुनाइए। वैसे इस महंगाई के जमाने में बात तो इनकी सही है, भैया आम दुनिया ठन्नी खर्चा रुपया, खर्चा कम करो भैया, कोरोना काल चल रहा है वैसे ही संभाल के चल रहा है। एक बात बताइए, खर्चे तो इस कोरोना काल में बहुत कम हो गए हमारे, कहीं निकले नहीं, कहीं लोग निकले नहीं, कहीं बाजार में खाया नहीं। अरे लेकिन उनकी भी तो सोचिए जिन्होंने कमाया ही नहीं, हाँ, क्या करेंगे बेचारे। ये बात जरूर है अच्छे चाचा, लेकिन आप ये सोचिए कि कोई भी जैसे समझौता गमों से कर लो, हमारे एक मित्र लिख रहे हैं, अगर तो आप सोचिए ना जो भी स्थिति है इस समय उससे हमें समझौता कर लेना चाहिए और उसके सकारात्मक पहलुओं को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो और समझौता वाला गाना भी हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है प्यार के जोश की बात भी कर लेते हैं। और वो कौन सा गाना है अभी इनको बताते हैं जी। तो दोस्तों फेसबुक पर और विविध भारती रेडियो पर सब जगह आप एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं, और अब वो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्यार की जोत जलाने की बात है। आपको फिल्म का नाम तो बताना ही है और साथ ही ये बताना है कि इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार थे। और हमारे कुछ श्रोता ये भी कह रहे हैं कि लाखों तारे आसमान में एक अगर ढूंढे ना मिला, ये गाना सुनवाइए। देखिए हमारे श्रोताओं की एक बात बड़ी खास है प्यारी बुआ जी, श्रोताओं की प्यारी बुआ जी, कि आप टॉपिक कोई भी चुनिए, आप कोई भी थीम लेकर आइए, आप इनसे जीत नहीं सकते। तो जीतना क्यों है? हमको जीतना नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, लेकिन आप सरेंडर बहुत जल्दी कर जाते हैं। अभी श्रोताओं ने कहा और फटाक से आपने सुना दिया गाना, और मतलब ये भी कह दिया कि हाँ हम सुना देंगे। अरे भाई मतलब अभी देखिए कुछ लोग और भी तानसेन फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, तो तानसेन फिल्म का गाना तो अभी सुनवाया हमने, दिल दिया दिला जगमग जगमग है ना। हाँ हो सकता है उन्होंने पहले लिखा हो, है ना। मीना कुमारी पर फरमाया अमर गीत मेरा फेवरेट है, बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं, कुछ कहते हैं जीवन चलने का नाम, तो ये बात तो सच है, लेकिन जब ये त्योहार आते हैं तो जीवन में अलग रंग भर देते हैं। जो हम एक ढर्रे पर एक तरीके की जिंदगी चल रही होती है ना अच्छे चाचा, तो उसमें थोड़ा सा रंग आ जाता है, विविधता आ जाती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम कितने भी दुखी हों, कितने भी मन हमारा उदास हो, थके हों, लेकिन ये त्योहार जब आते हैं तो हम एकदम से फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और खुशहाली हमारे चारों तरफ बिखर जाती है। अब इसी खुशहाली के बीच हमें ये जरूर याद रखना है कि प्यार की जोत को जलाते चलना है, आगे बढ़ाते चलना है, ताकि पूरा विश्व जो है प्यार से बिल्कुल भर जाए, नफरत की बिल्कुल भी जगह बाकी ना रहे। तो सुनते हैं ये गाना, बातचीत हमारी फेसबुक पर जारी रहेगी। तो जैसे मैं ये बीच में ये भी देख रहा था, तो कुछ श्रोता हमारे एक दो श्रोता तो ये कह रहे हैं कि अमर जी आप गाइए, अगर मैंने गाया नहीं, 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 हम तो निकल जाएंगे। आप अगर श्रोताओं हम आपसे गुजारिश करते हैं थोड़ा सा हमारी बात अलग से आप सुन लीजिए कि अगर अच्छे चाचा ने गाया तो प्यारी बुआ यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे, आप क्या चाहते हैं? हाँ तो आप बताइएगा, हाँ अगर मैं गाऊं या ना गाऊं इसका भी जवाब आपको तुरंत देना है। और हाँ ये जो गाना बज रहा है जोत से जोत जलाते चलो, ये आपको बताना है किस फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया है। अब आप जो बात कर रही थी वो बताइए, क्या बात कर रही थी? रंगोली की बात, तुलसी थोड़ा सा। तो आप रंगोली की बात कर लीजिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो समय है वो बड़ी तेजी से चलता है। नहीं हमारे एक मित्र ने लेकर भेजा है कि रंगोली की जब आपने बात की तो वो पूछ रहे हैं कि रविवार को आप रंगोली प्रस्तुत करते हैं क्या? अभी इससे पहले प्रोग्राम से पहले जब जो कमेंट्स आए थे फेसबुक पे, उसमें किसी ने ये भी लिखा था कि रंगोली से पहले एक और रंगोली। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए हमारे जैसे हमने कहा कि हमारे जो श्रोता हैं बहुत जागरूक हैं, बोलो हाँ है कि नहीं? हम क्यों बोले? अब बोले आप नहीं बोलेंगी तो फिर कैसे चलेगा भाई, आपको तो हाँ बोलना ही पड़ेगा। फिलहाल आप ये बताइए, हाँ। जो मैं समय की बात कर रहा था कि समय जो है वो बड़ा बलवान होता है, समय का चक्र जो है बड़ी तेजी से चलता है जी, हाँ। और इस समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, और इस बात का भी ध्यान रखना है। जहाँ बात इन्होंने समझौता गमों से करने की बात की थी, तो इनको हम ये कहना चाहते हैं कि समझौता गमों से कीजिए, लेकिन निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, वक्त पर समय पर पूरा भरोसा रखिए,
आज किसी और का है तो कल आपका होगा। समय आएगा और आपको खुशहाल कर जाएगा। और वैसे भी आपने बराबर सुना होगा कि जो भी अच्छी फिल्में बनती हैं वो अंधेरे में ही बनती हैं, तो जब अंधेरा आता है तो अपने आप उजाला भी आता है। और वैसे भी ये जो दीपावली का त्यौहार है अमावस के दिन होता है। अब आप सोचिए कि अमावस का दिन जो सबसे कहा जाता है अंधियारी काली रात होती है, उसमें इस तरह से इतना बड़ा पर्व हम मनाते हैं, यानी कि हम बता देते हैं कि अंधेरे तुम्हारा कोई अस्तित्व तो नहीं, अगर हमने एक दिया जला दिया तो। बिल्कुल, एक दिया की एक एक जो एक क्या किरण है, किरण जो है, एक अकेली छोटी सी किरण अंधेरा कितना भी गहरा हो उसको भेद जाती है। जी हाँ, भेद का दूर तक निकल जाती है और अंधेरा मुंह ताकता रह जाता है। जी हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से आशा का दिया जलाएं, हर्ष का दिया जलाएं, खुशहाली का दिया जलाएं। और अभी किसी ने और भी कहा सुबह कि एक दिया सैनिकों के नाम भी जलाएं जो सीमा पर खड़े चौकस बिल्कुल हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं दिन रात, न वो मिठाई खा रहे हैं न अपने वाले परिवार के साथ हैं, और हर वक्त लगता है कि उनकी जान पत्ते पर है जिसको कहते हैं, तो उनके लिए भी एक दिया जरूर जलाएं। बिल्कुल, दिया जलाएं और निराश नहीं होना है, समय पर भरोसा रखिए जी, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। जी तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अगला जो गाना है वो हम कौन सा सुनवाने वाले हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो तुरंत, जब तक कि हमारी ये बातचीत चल रही है, वो आप हमें मैसेज करके बताइए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ शेयर भी कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक विविध भारती का पेज फॉलो नहीं किया है उसे फॉलो कीजिए। आपकी अपनी विविध भारती को आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाना है ये सब आप ही के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बोलो हाँ है कि नहीं, इसमें तो आप बोलोगे। ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारे श्रोता जो चाहते हैं वही होता है। अब देखिए, बहुत दिनों से कह रहे थे तो हम लोग हाजिर हो गए आज आपकी खिदमत में, सारे काम काज छोड़कर, है ना। बल्कि ये कहे कि ये भी एक काम है, बहुत जरूरी काम था आपसे मुलाकात करना, होते हो आगे दिन तो मिलने का कुछ मजा ही अलग होता है। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि अब उससे आप फिर देखिए अलग तरह से हंसेंगे। क्या अभी हमारे गाने पे आप कह रही थी कि अगर ये गाएंगे तो हम निकल जाएंगे जी, अभी हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि रेणु जी से कहिए वो साथ में गाए आपके। फिर तो ऐसा होगा कि ये तो वर्ल्ड फेमस है कि अगर अच्छे चाचा और प्यारी बुआ ने एक साथ गाया तो हमें लगता है सारे श्रोता भाग जाएंगे। और लेकिन ये जो है ना मुस्कुराहट जो है वो बहुत खूबसूरत होती है। और अच्छे चाचा, एक बात ये बता दें हम अपने श्रोताओं को कि हमारे सामने इस वक्त जुबैर जी खड़े हैं जिन्होंने की फेसबुक की सारी बागडोर संभाल रखी है, संगीता श्रीवास्तव जी हैं जो पूरा सहयोग दे रही हैं, हमारे कंट्रोल रूम में श्वेता जी हैं, निखिल धामापुरकर बैठे हैं, निखिल जी बैठे हुए हैं, बार बार इशारा कर देते हैं, आवाज जोर से जा रही है, थोड़ा धीरे बोलिए, कभी बोलते हैं जोर से नहीं जा रही है, जरा जोर से बोलिए, ऐसा ही चलता रहता है। हमारी जो है, हम तो बस बैठे हैं, हमारी पूरी जो कठपुतली टाइप सारी धागे जो है सब अलग अलग थामे हुए। हाँ, जुबैर जी भी बाद में कहते हैं कि अब ऐसा एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, अभी हम आधे घंटे का एक वीडियो है वो अपलोड कर दें। ऐसा ऐसा कौन सा गाना? अरे अभी जो चल रहा है यही वाला, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं डाल देंगे? नहीं नहीं, काहे के लिए, चलने देते हैं अभी तो, जब तक कि हमारे श्रोता नहीं कहते भाई आप बताइए हम इसको फेसबुक को यहाँ रोके या चलने दें। फिलहाल तय कर लीजिए और अभी वो गाना हम आपको सुनवाते हैं, बताना है कौन सी पिक्चर का है, और आप ही तय करेंगे कि फेसबुक लाइव अभी चलता रहे कि रोका जाए। बोलो हाँ है कि नहीं। नहीं नहीं, बंद नहीं हुआ है आपका फेसबुक लाइव चल रहा है और अभी इसी तरह से चलता रहेगा। दिया आजकल ये एक दिया जो है, अच्छा रखा था दिया जो है आजकल एक शीशे की ग्लास संगीता जी अभी हमें ला कर देंगे तो हम बताएंगे, कहीं से एक आप अरेंज करिए, व्यवस्था करिए शीशे के ग्लास की। आजकल एक शीशे का जैसे इतना बड़ा बर्तन हो या छोटी ग्लास हो उसमें पानी भर देते हैं और बहुत कम तेल डालकर उसके ऊपर, और उसमें बत्ती रखते हैं, मतलब दिए वाली बत्ती बाती रख देते हैं और उसे बहुत कम तेल में दिया जलता है, बड़ा खूबसूरत सा दिखता है। तो वो हम अभी अपने श्रोताओं को बता सकते हैं, हमें लगता है कि बिल्कुल बता सकते हैं। तो संगीता जी जरा ले आइए जल्दी से तो हम बता देंगे, है ना, जब तक के श्रोता हमारे गाने सुन रहे हैं। अच्छा हाँ, श्रोताओं की प्यारी बुआ जी, हमारी जो थीम थी वो जारी है, देखिए
उसी थीम से जुड़ा हम गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। व्यस्तता के चलते या किसी और कारण से हम कुछ इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, या यूं कहिए कि छूट सा जाता है। मन में कहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारा क्या होता है कि बच्चे जो हैं, ये त्यौहार जब आता है तो खासतौर से सुबह जल्दी जल्दी नहाते हैं, धोते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर जैसी जिसकी यहाँ प्रथा होती है, मंदिर जाना हो, घर में पूजा करना हो या कुछ और करना हो, उसमें जुट जाते हैं। तो एक सब में जैसे मेल जोल का वातावरण पूरे घर में बन जाता है। बिल्कुल, अब आपकी बात से एक बात मेरे दिमाग में आ रही है श्रोताओं की प्यारी बुआ जी, कि ये जो कुछ भी चीजें पुरानी कहलाती हैं जी, लोग इनको कहते हैं अरे ये सब पुराने तरीके, या यूं कह पुराने सकते हैं कि पीढ़ी का अंतराल है जी। लेकिन यही वो बातें हैं जो आप अपने जनरेशन को दे सकते हैं, आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, जो आज का नौजवान है, जो हमारी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से, हमारे रीति रिवाजों से दूर होता जा रहा है, उसको अगर आप पढ़ा नहीं सकते हैं तो इस जगह इस तरह से सिखा तो सकते हैं। जी हाँ। अगर आप अपने पिता के पैर छुएंगे तो आपका बेटा आपके पैर छुएगा। बिल्कुल। आप अपने पिता का ख्याल रखेंगे तो आपका बेटा आपका ख्याल रखेगा जी। फिर कहीं वृद्धा आश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये जो घर में माहौल है, तरह तरह के पकवान बनाने का समय जब आता है तो सब मिलजुल के बनाते हैं फिर आनंद से खाते हैं। और वहीं जो जैसे रंगोली की हमने बात की, ये माँ ऐसे सिखाती नहीं है या कहीं किसी कक्षा में जाकर, ठीक है कक्षाएं चलती हैं आजकल, लेकिन ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीजें अपने आप मिलती जाती है अपनी पुरानी पीढ़ी से, तो ये तो बात है ही। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी की बात आप कर रही हैं, जो मैंने अभी बात कही है, अगले गाने में भी बात कुछ ऐसी ही है कि जहाँ माता पिता की सीख को एक नौजवान ने अपने अंदर आत्मसात किया है, और उसी पे वो फिल्म में जो गाना था वो उसने अपनी माँ की बातों को लेकर ही गाने में दिया है। बहरहाल वो गाना तो हम अभी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं ये देख रहा था कुछ जो मैसेज आ रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि अभी तो आप दोनों प्रोग्राम देते रहिए, फेसबुक लाइव को बंद मत कीजिए, चालू रहने दीजिए। अब अगर कोई आप वीडियो बना तो आपने अगर कह दिया तो ये अच्छे चाचा तो नहीं मानने वाले हैं, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि अगर श्रोताओं ने कह दिया तो बस हमारे लिए तो वो पत्थर की लकीर हो गया। तो ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं ये कार्यक्रम चलता रहेगा, गीत हम सुनाते रहेंगे और इसी तरह से बातें करते रहेंगे। और एक जो बात है कि हमने कहा कि दीपक जो आजकल चलता है थोड़ा बड़े सजावटी तरीके से, जैसे कि ये रखा हुआ है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और मिट्टी के दिए जलाइए वो बहुत जरूरी है, जो छोटी छोटी सजावट की चीजें जो छोटी छोटी दुकानों पर मिलती हैं उन्हें जरूर खरीदिए, क्योंकि उनके लिए ये पूरे वर्ष भर में यही उनके आमदनी का दिन है, समय है। इसी से अगर आप के लिए तो ये शौक की चीज है या सजावट की चीज है, उनके लिए पेट भरने का ये जरिया है। हो सके तो उनके साथ मोल भाव ना करें। हाँ। क्योंकि वो आप कभी मॉल में जाते हैं, कहीं और बड़ी दुकानों में जाते हैं, तो जो वो कहता है आप बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह से उसकी बात को मानते हैं, जेब से पैसे निकालते हैं, चुपचाप दे देते हैं, और बड़े संकोच से कहते हैं कुछ कम करने के लिए, और उससे बस निगाह उठाते हैं, बस उतनी निगाह बट उठा दिया आपने, नहीं 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 ठीक है। तो जरा सोचिए, जो सड़क पर रुई बेच रहा है, जो मिट्टी के दिए बेच रहा है, धान बेच रहा है, तोरण बेच रहा है, फूल माला बेच रहा है, धान की बालें बेच रहा है, वो बेचारा किस तरह से लेकर आया होगा, आज की उसकी ये कमाई इतने मशक्कत के साथ शायद एक दिया जलाने लायक उसको मिलेगा जी। तो ये सारी बातें जो है इनको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आप बातें इतनी कर रहे हैं लगता है जैसे आप टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास क्यों करेंगे, जब तक कि गाना ये बज रहा है हमें वो सारी बातें करनी ही हैं जो हम आज के दिन करना चाहते थे जी। और जैसे कि हमने पहले कहा था श्रोताओं की प्यारी बुआ जी, कि आज जो हम करेंगे वही उसका ही अनुसरण हमारे बच्चे करेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, तो बेहतर है कि उन्हें जो भी सिखाना है वो आप खुद करेंगे तो अपने आप बच्चे सीख जाएंगे, और उनके पास जो से कहते हैं ना खून में आ जाता है अपने आप, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन हमें गीत बदलने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन अभी वापस फेसबुक पर हम चलते हैं और वो गाना सुनवाएंगे जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और फेसबुक पर भी कुछ बातें करनी है हमें जी। तो फेसबुक पर वापस अब हम, वैसे तो हम फेसबुक पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अब श्रोताओं से भी सीधी तरह से जुड़ गए हैं,
और श्रोताओं को भी हमें ये बताना है कि अगला गाना हम कौन सा सुनवाएंगे, और श्रोताओं को भी मतलब जो फेसबुक पर नहीं है उनको हम बता दें कि हम फेसबुक लाइव पर बात कर रहे थे कि हमें जीवन में वही करना चाहिए जिसकी उम्मीद हम अपने बच्चों से करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को वो सबक मिल सके जो आप चाहते हैं कि अच्छे संस्कार उस तक पहुंचे। बहरहाल गाने में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप कुछ कह रही थी, कुछ बता रही जी? हाँ, ये हम बताना चाह रहे थे कि ये जो मोमबत्ती जो आजकल तरीके तरीके से जलती है और उसमें ये बड़ा प्रचलन है, ये बड़ी ग्लास शीशे की है, इसकी आधी भी आती है, यानी कि आप इसका आधा ग्लास भी ले सकते हैं अगर आपके पास जो उपलब्ध है तो। इतने में पानी इतना भरना है, इससे थोड़ा ज्यादा भी पानी रख सकते हैं। कैंची उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसके लिए अच्छे चाचा लकड़ी के चार ऐसे करके, जैसे कि ना हम लोग क्या कहना चाहिए कि जो ऐसे क्रॉस बनाते हैं, नहीं कट्टम पुट्टा वाला जो खेल नहीं खेलते थे, कट्टम पुट्टा हाँ, वो हैशटैग जैसा निशान, जी जी हैशटैग बिल्कुल, हैशटैग लकड़ी का मिलता है, उसको रख के उसमें दिया की बाती जो होती है वो डाल दी जाती है, और इस पानी के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया जाता है, बस 2-3 चम्मच, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, और उसमें वो तैरता रहता है क्योंकि वो चूंकि लकड़ी की होती है हैशटैग। तो बहुत अच्छा आपने नाम दिया है, अच्छे चाचा क्या बात है, तो ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि अच्छे चाचा। हमारे काला रुचि मत करिए, क्या बताएं, एक हम ही तो समझदार हैं, बताइए। अच्छा, हाँ है कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, हम भी हैं। तो ये जो है इसमें वो वाला जो लकड़ी का अगर आपके पास हैशटैग जो बता रहे हैं वो नहीं है अगर, क्योंकि वो बाजार में मिलता है, उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मिलता बहुत सस्ता सा है, उसको लिया जा सकता है, उसमें डालकर और बस ये 4 चम्मच तेल से आप आराम से दिया जला सकते हैं और बहुत देर तक जलेगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसका हम थोड़ा सा दूसरी चीज बता सकते हैं, ऐसे जैसे प्लास्टिक के ढक्कन बहुत सारे हमारे पास पड़े होते हैं या प्लास्टिक का डिब्बा भी होता है, उसको काटकर एक छोटा सा गोल बना लें, यानी कि करीब 2 इंच का हो उसका व्यास, 2 इंच का जो इसके अंदर जा सके, ज्यादा नहीं हो जाएगा, 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक में, हाँ 1.5 इंच कह लीजिए। अब ऐसा है कि अभी कुछ हमारे श्रोता लिखने लगे हैं कि आप तो दुकान खोल रहे हैं बाती फेसबुक लाइव चालू करके, ये घर की दिए बेचने ये के चीज़ आप क्या बता बाती दिए भी बेचेगी? नहीं, बताएगी और बताती रहती है। तो इसको गोल काट के इसमें बीच में छोटा सा छेद कर लें आप, और इसमें वो रुई की जो बत्ती आती है वो करके डाल दें, जो नीचे थोड़ा नीचे तक ज्यादा नहीं, नीचे सिर्फ 1.5 इंच करीब नीचे पहुंचे और बाकी ऊपर रहेगी, और जो आपने तेल डाला है आप देखेंगी तो वो तेल जो है वो बत्ती में ऊपर तक आ जाएगा अपने आप, फिर आप उसको जला दीजिए जब वो आ जाए। इसके साथ साथ पता है अच्छे चाचा इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें रंग बिरंगे आप पत्थर डाल सकते हैं या कोई, इस पानी को रंगीन भी कर सकते हैं चाहे तो वो और सुंदर लगेगा, इसको लाल पीला हरा कोई भी रंग में रंग सकते हैं, तो एक मोमबत्ती आपकी लाल हो गई, एक हरी हो गई, एक पीली हो गई, तो यूं कह सकते हैं कि ये दियों की भी रंगोली सजाई जा सकती है कुछ इस अंदाज में, और बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे दिया जलाना भी। तो ये आप देखिए, दिया जलाइए, रोशनी फैलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन रंगीन पानी से दूर रहिएगा क्योंकि रंगीन पानी कई बार बहुत गड़बड़ियां कर देता है, स्वास्थ्य के लिए भी, त्योहार का मजा भी खराब करता है। इस बात का ध्यान रखिए, आज का ये जो त्योहार है इसमें कम से कम कोशिश कीजिए कि पटाखे आप फोड़ें, प्रदूषण जो है वो ना फैले, प्रदूषण फैलने से कोरोना के जो मरीज हैं उनको और भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, हम इन बातों को थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि हमारे बहुत से श्रोता ये कह रहे हैं। ये बात इस पर एक बहुत ज़रूरी बात है, और हमारे श्रोताओं ने ही हमें याद दिलाया कि सैनिटाइजर बहुत ज्वलनशील होता है, तो इस बार चूंकि हम हर काम के बाद, हर काम से पहले कहीं आते हैं, जाते हैं, कुछ करते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहे हैं, तो कृपया आप इस बात का ध्यान रखें कि सैनिटाइजर से जब आपने हाथ साफ किया है तो आप पटाखे कतई न छुड़ाएं, माचिस से दूर रहें क्योंकि बहुत ज्वलनशील है, आग लग सकती है और आप घायल हो सकते हैं। तो एक बात कर सकते हैं कि एक बड़े से पतीले में किसी में साबुन का अच्छा पानी बनाकर नीचे रख लें जहां पटाखे वगैरह आप छोड़ रहे हैं, और हाथ को उस साबुन के पानी से धोते रहें बजाय सैनिटाइजर के। और हमारे अगले गाने में माँ ने कहा था, और यहाँ पर आपकी प्यारी बुआ ये कह रही हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, आपकी जो बातें हैं, आपने जो सारी बातें इनको बताई हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और फिलहाल ये जो आप दिया जला रही हैं, आप इसको भी ढक सकती हैं पानी में, देखिए ये वही मैं दिखाने वाली हूं, तरह से जलेगा। इसमें अच्छी बात ये होती है कि चूंकि मोम नीचे से ठंडा रहता है तो ये जो है बहुत धीरे धीरे पिघलता है,
और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जब आप किसी भी बर्तन में मोमबत्ती को रखें तो उसमें भी पानी आप आधा भर सकते हैं। तो चूंकि नीचे से पानी ठंडा रहता है तो मोम बहुत धीरे धीरे पिघलता है, ये भी एक कह सकते हैं कि क्या बताना चाहिए विधि है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप जैसे कि किसी कटोरी में या वैसे में अगर आप मोमबत्ती टिकाना चाहते हैं तो उसमें भी पानी भर देंगे तो मोम बहुत धीरे धीरे गलता है, तो आप बहुत देर तक प्रकाशित कर सकते हैं घर को। एक बात और है कि जैसे कि मोमबत्ती होती है उसमें अगर हमें बच्चों को देना है तो वहां बीच में कहीं कागज या दफ्ती जैसा टुकड़ा लगा दे तो वो जो मोम गिरता है वो बच्चों के हाथ या उंगली पर नहीं गिरेगा। वहीं एक बात और, पटाखे जलाने के लिए मोमबत्ती से बेहतर है कि अगरबत्ती जला के उससे पटाखे छुड़ाएं, तो उससे क्या होता है कि आप जब दौड़ के वापस आते हैं तो वो बुझती नहीं है और उससे बाकी चीजों के जलने का खतरा नहीं रहता। देखो ऐसा है श्रोताओं की प्यारी बुआ, इतनी देर बाद हमें बोलने का मौका मिला, बचपने से वापस लौट आइए, मालूम है हमें, याद आ रहा है, समझ गए हम कि ऐसे अगरबत्ती लेके कैसे जाते थे वो बम छुड़ाने के लिए, रॉकेट छुड़ाने, और वो लगता ही नहीं थी आग और दौड़ आते थे और बाद में कोई और जलाता था और वो रॉकेट घूम के आप ही के पैर के पास आके पड़ जाता था। याद नहीं है क्या आपके पैर के पास वो जो निशान है, हमको पता है, लेकिन पास में बाल्टी में पानी रखने से ये फायदा रहता है कि तुरंत उसमें हाथ या पैर जहां जले हुए डाल दीजिए तो कितना अच्छा रहता है। तो ये सारे सुरक्षा के साथ ही पटाखे जलाएं और जहां सारे पटाखे रखे हों वहां पर कहीं भी मोमबत्ती या माचिस न रखें, उसको दूर रखें। इस बात का तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, हमको हम अपने सभी श्रोताओं से बात कर रहे हैं, नहीं हमें आपको भी रखना होगा, हमको भी रखना होगा कैसे, अब तो हम पटाखे वटाखे तो छुड़ाते नहीं जलाते नहीं, देखते तो हैं बैठ के, दूर से बैठ के, बिल्कुल हम तो बिल्कुल बहुत दूर बैठे रहते हैं क्योंकि कोई चक्री कभी घूमते घूमते उछल के आ जाती तो भागना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब ऐसा है कि अगले गाने के बारे में भी बात करना है और ये जो गाना अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको ये बताना है भैया कौन सी फिल्म का गाना है, किस पे फिल्माया गया है। वही तो हम देख रहे हैं, तब से पटाखा पटाखा करते हुए आपने काम की कोई बात नहीं की। काम की बात तो किए हैं, अभी पिछला गाना जो हमने सुनवाया था उस गाने में जो कलाकार थे वही कलाकार इस गाने में भी हैं, हिंट दे दिए हम जो अभी सुन रहे हैं ये हमारे श्रोता। और इतने देखिए अभी हम उतना बोले भी नहीं, कलाकार का नाम बताइए ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता गीत नहीं सुन रहे हैं, वो फेसबुक पर जुड़े हुए हैं हमसे, तो कौन सा गीत चल रहा है ये तो बता दीजिए अच्छे से। तो ऐसा नहीं है, हमारे मोबाइल में इतनी अच्छी तकनीक है, हमारे विभाग ने इतना अच्छा किया हुआ है कि आप जब न्यूज ऑन AIRF चालू करते हैं तो न्यूज ऑन AIRF चालू कर दीजिए, गाना आपका चालू हो गया, अब गाना चलता रहेगा और आप अब फेसबुक पे आ जाइए, आप फेसबुक पे लाइव हो जाइए, गाना बंद नहीं हो। तो ये क्यों पहले नहीं बताया, 40 मिनट गुजर गए, ये वर्ल्ड फेमस बात है कि अच्छे चाचा ना सारी चीजें अच्छी काम की बातें बाद में बताते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे श्रोता पहले से जानते हैं, वो सब इसी तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं, गाना भी सुन रहे हैं, फेसबुक पर लाइव अच्छे चाचा इस समय देख रहे हैं, ये दोनों चीजें, ये भी हमारे किसी श्रोता ने ही बताया था कि इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप मतलब हमको नहीं मालूम था, आप ये बताना चाहते हैं, बताया ना कि हमें नहीं मालूम था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, तो अब हम समझते हैं कि ये जो गाना है ये माँ ने कहा था वो बेटा कभी दिल किसी का ना तोड़ो, तो हम अपने श्रोताओं का भी दिल नहीं तोड़ेंगे। हमारे बहुत से श्रोताओं का कहना है कि फटाफट दूसरा गाना आप हमें सुनवाइए, तो दूसरे गाने की बात जो है वो हम इस गाने के बात करेंगे और फिलहाल इस गाने को हमें यहीं कहीं रोकना पड़ेगा, तो रोक लेते हैं इस गाने को, कभी कभी थोड़ा बहुत गाना काट भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, बोलिए हाँ है कि नहीं, चलिए सुनते हैं। हाँ तो अब हमने ये गाने को तो यहीं रोक दिया है जी। अगले गाने की जो बात है वो करते हैं, अगले गाने में लड़ाई झगड़े की बात है। अब वो लड़ाई झगड़े की बात इसीलिए हमने रखा है क्योंकि आप और हम बैठने वाले थे, करने वाले थे ये फेसबुक लाइव, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब आप और हम बैठेंगे तो नोक झोंक तो होगी। आज आप क्या खा के रहे हैं? अरे खाए कहाँ है, श्रोताओं के से बात करने के चक्कर में ट्रैफिक आज इतना ज्यादा था कि हम भागे भागे आए। भाई तो इनके लिए खाने की व्यवस्था जुबैर जी कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं खाया इसलिए ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो श्रोताओं हम माफी चाहते हैं आपसे, माफ कर दीजिएगा अच्छे चाचा को, चूंकि इन्होंने कुछ ठीक से नाश्ता आदि नहीं किया है और इंतजार भी है कि वो बहुत सारा नाश्ता बन रहा है, चाट आदि बनने वाली है, शाम की पूरी दिवाली का पकवान घर में बन रहा है, वही वही वही
इसीलिए इनका मन जो है इसलिए बोले जा रहे हैं तो थोड़ा सा माफ करिएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपने श्रोताओं के लिए तो हमें बात तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, आपने नमकीन नहीं बनाया कुछ, जरा सा उसके बारे में बताएं। नहीं नहीं, उसके बारे में बात बताएं, पहले झगड़े की बात जो है वो उसको पहले करना मतलब इतना है। मतलब घुमाइए, लेकिन अच्छे चाचा ये तो वर्ल्ड फेमस है कि इन्होंने अगर ठान लिया तो ठान लिया। एक गाने की फरमाइश आ रही है, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका चमका सुबह का तारा। भैया ये जीवन में सुबह का तारा सबके आता है, बस अंधेरा छटने का इंतजार करना पड़ता है और झगड़ा मत करने का। यही हम कहना चाहते हैं कि इस जीवन में, ये छोटे से जीवन में प्यार मोहब्बत का टाइम तो इतना सा मिलता है, अब उसको भी हम झगड़े में निपटा दें पूरा तो बचा क्या। अब वो कौन सा शायर कह गए ना, चार दिन की जिंदगानी मिली, दो यहाँ गई दो वहां गई, हमें पूरी मालूम है। हाँ, नहीं, जैसे दिल के टुकड़े हजार हुए, चार यहाँ गिरा चार वहां गिरा, कुछ भी है इस तरीके की चीज। तो ऐसी बात है कि भैया जो थोड़ा बहुत टाइम मिला हुआ है उसको प्यार मोहब्बत से निकालिए। और देखिए हमारे तकनीकी सहयोगी लोग जो है ना वो भी जुटे हुए हैं, सुषमा जी आ गई हैं। सुषमा देखिए आते ही से सबसे पहले सैनिटाइजर किया है और अंदर नहीं आना, यहाँ दिया जल रहा है, सैनिटाइजर तो दूर रहना भाई। हाँ, और श्वेता जी भी मुस्कुरा रही है, उन्होंने भी सैनिटाइजर से हाथ धो लिया है। वहीं पर वंदना जी ने भी हाथ धो लिया है, अपना सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रही है और सबके दांत बाहर है। लेकिन हाँ, सबके दांत और सब बड़े ऐसे सजे सवरे, देखिए ये देखिए कैसे चमकते चमकते एक से एक सितारे विविध भारती के जो हैं आ रहे हैं। और ये सब क्या है कि कभी फेसबुक पर नहीं आते हैं या इनके नाम नहीं आते तो हम तो बता दें कि ये समृद्धि नाइक हैं, फिर ये हमारी सुषमा सुरलकर हैं, वो श्वेता गुप्ता हैं, निखिल धामापुरकर साहब का तो हम नाम ले ही चुके हैं। ये सब देखिए आज त्योहार के दिन भी आपके मनोरंजन के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और इसी को कहते हैं प्यार। ऐसा हमने तो सोचा था झगड़ा करेंगे आप। नहीं, झगड़ा हम यही तो कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग देखो वहाँ। क्या बात है, क्या बात है, सच बात है। वैसे भी कहते हैं कि जिंदगी एक मिली है तो उसको इतना सोचने समझने में, गंभीरता से लेने में ना गुजारें, जिंदगी का भरपूर आनंद लें और जितना हो सके उतना खुल के जिए। अभी जब हम ये गाना चलाएंगे तब हम अपने ये जो साथी हैं उनसे भी मुलाकात करवा देंगे और संगीता जी भी बड़ी देर से किनारे खड़ी हैं। हाँ, उनको भी हम बुला लेंगे और उनको भी बोलेंगे कि आओ श्रोताओं से हेलो हाय कर लो, क्योंकि आज दिवाली का मौका है, आप अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आकर श्रोताओं के लिए बैठे हैं तो ये भी थोड़ा तो बनता है भाई। और ये श्रोता जी भी तो हमारे परिवार के ही सदस्य है ना। देखिये ये आ भी गया, अरे क्या बातें हैं भाई। देखिए हमारे श्रोता कह रहे हैं मिलवाइए ना, मैम मिलवाइए ना, तो मिलवाते हैं। ये गाना चला दें और बताइए कहाँ, देखिए कितना सुखद संयोग है, ये भी उसी कलाकार का गाना है। क्या है प्यार का समय, रणधीर कपूर बुला लूंगा। तो अब उनको बुला लेते हैं, देखिए श्वेता गुप्ता को भी बुला लेते हैं, सुषमा सुरलकर को भी बुला लेते हैं और इनको अपने समृद्धि नाइक जिनको हम वंदना भी कहते हैं, वंदना भी कहते हैं, उनको भी बुला लेते हैं। कहा कि आपने हमें ब्रेक कर दिया। नहीं, उनका नाम तो दूसरा है और तीसरा भी है क्या? अब जैसे हमारा नाम अमरकांत दुबे, आप अच्छे चाचा बोलते हैं। चौथा बोलते हैं, आपका नाम रेणु चतुर्वेदी, ये सब आपको प्यारी बुआ कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, हम कभी नहीं बोलते। पता है ये हर बार लगाते हैं श्रोताओं की, तो भाई श्रोताओं की तो हम है बिल्कुल है और श्रोताओं का ये जो प्यारा सा संबंध है, जो प्यारा सा उन्होंने सम्मान दिया है हमें, हम उसको सर आंखों पर रखते हैं और वाकई बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके से जो हम लोग क्या इस कैरेक्टर को इस तरह से कह सकते हैं, चरित्र को स्टॉक कैरेक्टर कहते थे अच्छे चाचा है ना। और पुराने जमाने में बहुत प्रचलित रहा है, बहिरे बाबा एक जमाने में आते थे किसी स्टेशन पर, वैसे ही लोहा सिंह बहुत प्रसिद्ध हुए, इसी तरीके से जगराना बुआ एक थी वो बहुत अच्छा था, लखनऊ में कैरेक्टर था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग थे और हमारी बहुत सारी सखियां और आ गई हैं, हमारे जो तकनीकी सहयोग है यानी मशीन जो संभाल रहे हैं, सुषमा जी हमारे साथ आ रही हैं। आइए सुषमा जी, आपसे मिलवाएं, आ जाइए, आपको तो मिलवाएं हमारे श्रोता जो हैं उनसे, आ जाइए बीच में आ जाइए जी। नमस्ते जी, सुषमा जी नमस्ते, आपने नाम सुना होगा, आज हमारे साथ हैं ये सुषमा सुरलकर जी हैं। और क्या बनाई है,
आज तो पुरन की रोटी बनती है, तो पुरन की रोटी बना के आए हैं। अरे वाह, तो ले आए कि नहीं हमारे लिए, वहाँ रखे हो कि नहीं? लेके आए हैं, श्रोता को भी खिलाए हम। क्योंकि अब जब पता चल गया अच्छे चाचा को कि आ गई है, तभी थोड़ा कम बोलेंगे, नहीं तो लगातार ये बोल रहे हैं। श्वेता जी आप क्या बनाई है? हम तो हमको मतलब इस बात से, आप श्रोताओं से मिले ना मिले, लेकिन ये बताइए सर, सूरन की सब्जी बनती है, वो बना के आई पूरी। तो पहले तो इनसे तो बात कीजिए, हमारे श्रोताओं, सभी श्रोताओं को हैप्पी दिवाली। अच्छा, तो क्या बताया बनाया आपने? सूरन की सब्जी। सूरन की सब्जी, अरे बाप रे, उससे तो गले में खुजली होने लगी। नहीं, नहीं, नहीं। जी हमारे साइड में सूरन की सब्जी आज के दिन मनाया जाता है। अच्छा, आज के दिन सूरन जरूर खाते हैं। और अच्छे चाचा एक बात और बता दे, श्रोताओं को भी बता दे कि सूरन का लड्डू भी बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। अब एक देखिए खास बात देखिए, सुषमा सुरलकर आई, वो बोली कि हम बनाई है पूरन और ये बनाई है सूरन। अब जो पीछे आएंगी वो बनाएंगी चूरन। भाई अगर नहीं भी बनाई होगी तो आपने कह दिया, तो ऐसा तो नहीं कि बना लेंगी? नहीं, हम चूरन दे रहे थे। तो भाई चलिए, तो ये हमारी एक और हमारी साथी है, सूरन की सब्जी खाई जाएगी। उसमें जब बहुत अच्छे से खटाई डाल दी जाती है और अच्छे से उसको भून दिया जाता है तो बिल्कुल नहीं काटता है। जी, ये हमारी साथी है समृद्धि नाइक। और आप क्या बनाई है समृद्धि? मैं श्रीखंड पूरी बना के लीजिए। मिठाई भी हो गई। अब क्या करें, हमारा तो मन कर रहा है गाने वाने छोड़िए, बाहर निकलिए। अब हम किसी को नहीं बुलाएंगे, नहीं तो फिर कुछ और बनेगा और ये निकल लेंगे। अभी संगीता जी बची हैं, उनके नाम की बार बार फरमाइश आ रही है। संगीता जी जो है ना, वो तो सुबह से हमारे साथ है यहाँ पर, तो जाहिर है की इन लोग मतलब हमारे यहाँ सुषमा जी और श्वेता और समृद्धि जी ने जो बनाया है उसी में हम लोग मिलजुल के खाएंगे अभी। जी जी, तो संगीता जी आप 2 मिनट रुकिए, अभी हम थोड़ा सा प्यार और जो है वो श्रोताओं तक पहुँचा दें, बांट दें। फिलहाल हमारी ये तीन साथियों ने तो प्यार भरपूर बांट दिया, और हमने इनसे आपको इसलिए ही मिलवाया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करने में बड़ी खुशी होती है। आपको लगता होगा कि हम यहाँ काम करने आए हैं, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ से अपना काम बिल्कुल नहीं समझते हैं। हम ये जो आप तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, आप तक जो मनोरंजन का ये सिलसिला चलता रहता है, ये करने में हमें बेहद खुशी होती है। जो हम माइक पर होते हैं हमारे लिए तो खुशी होती है, लेकिन हमारे साथ ये जितने सहयोगी होते हैं ये भी उतने ही खुश होते हैं। इनके लिए भी वही खुशी का मौका होता है कि आपका मनोरंजन कर पा रहे हैं, और यूं कहें कि हम आपके साथ त्योहार मना रहे हैं। जी, और अच्छा और लगता है नए नए लोगों के साथ, यानी अपने श्रोताओं के साथ त्योहार मनाना, है ना? जी, अभी समृद्धि जी के लिए नमस्ते आ रही है, सुषमा जी के लिए नमस्ते आ रही है, सबके लिए नमस्ते आ रही है। तो फिलहाल ये गाना जो है यहीं खत्म हो रहा है, और वापस से हम अभी कुछ देर के लिए जो है वो श्रोताओं से फिर जुड़ जाएंगे। अभी श्रोताओं से हम कटे हुए थे, तो अब ये गाने को यहीं हम रोकते हैं, और प्यार की बातें जो हैं वो हमारी जारी रहेंगी। और ये देखिए जारी तो है, क्योंकि प्यार रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल रुकता भी नहीं है अगर दिल से किया जाए तो। ये दिल से दिल तक पहुंचता है, और प्यार की जो भाषा होती है, कहते हैं कि कुछ भी नहीं होती है, बस प्यार जो होता है वो अपने आप पहुंच जाता है। तो इसके लिए कुछ भी कहने के लिए, या यूं कहें कि सीमा कुछ भी नहीं होती, ना भाषा, ना जमीनी, ना किसी भी तरीके की सीमा इसके लिए मायने नहीं रखती है। प्यार तो सरहद पार भी पहुंच जाता है, जैसे हवाएं चलती हैं, जैसे कि प्रकृति की बाकी चीज़ें चलती हैं वैसे ही। और जब प्रकृति की सब चीज़ें चलती हैं, जब सीमा कहीं बंधती नहीं है, तो संगीता जी को भी बुला लिया जाए। संगीता जी आप आमंत्रित हैं, तब से हमारे लोगों के इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई हैं। तो संगीता जी, आज संगीता जी को मैं देर से इसलिए बुला रहा था कि संगीता जी तो कुछ लाइन बनाई नहीं होंगी, क्योंकि सुबह से ड्यूटी कर रही है, ये तो हमारे हिस्से में से शेयर करेंगी। उनके हिस्से का अलग से आया है, क्योंकि वो हमसे पहले से इस सेवा में जुड़ी हुई है और आज अपना बहुमूल्य समय दे रही है इस परिवार के साथ। तो जाहिर है कि इनके लिए ज्यादा सम्मान की हकदार है। मुलाकात कर लीजिए संगीता जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, दिवाली की बहुत बहुत, जरा जोर से बोलिए, हमें मालूम है खाना नहीं खाई आप। दिवाली की बहुत बहुत बधाई आप सभी को, और मेरा बहुत प्यार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए अभी हम लोग मिलजुल कर खाएंगे, और ये भी बताएंगे कि आप लोगों क्या, संगीता जी क्या बनता है भाई आज के दिन, ये पहले बताइए। आ जाइए आ जाइए, क्या बनता है? संगीता जी वैसे उत्तर प्रदेश से हैं, तो फरे बनते होंगे आज। जोर से बोलिए जी। फरा बनता है, उड़द की कचौड़ी जी, क्योंकि बेसन के लड्डू, और सूरन भी बनता है। सूरन भी बनता है, सूरन की सब्जी भी बनती है। बहुत सारे जो व्यवसायी लोग होते हैं
वो केवल बेसन के नहीं सूरन के भी लड्डू बांटते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं और विशेष बैठा कर कारीगर को बनवाया जाता है, क्योंकि सूरन का लड्डू बनाना अपने आप में एक विशेष कला है, तो सामान्य दिनों में नहीं बनती। और वैसे भी आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाता है कि वर्ष में एक बार सूरन अवश्य खाना चाहिए। अच्छा चाचा, हमें लगता है कि ये फिर वही वाली बात आ गई कि सूरन बहुत आसानी से उपजता है, पैदा होता है, बहुत सस्ता सा माना जाता है, लेकिन उसका कितना महत्व है जीवन में, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे लिए जीवनदायी बन जाता है, यानी कि जब भूख लगी हो तो शायद मदर इंडिया की फिल्म याद आ रही होगी, उसमें वो नरगिस सूरन ही उबाल कर बच्चों को खिलाती है जब बाढ़ आती है उसके बाद। जी वो एक समय में कंदमूल कहा जाता है। जी जी नहीं, लेकिन मतलब वो इसीलिए है, हमारी संस्कृति में ये बना हुआ है कि इन छोटी छोटी चीजों को भी हम उतना ही महत्व दें कि हमारे लिए ये कभी कभी हो सकता है जीवन आधार बन जाए, तो हमें उन्हें एक वर्ष में एक बार अवश्य खाना चाहिए, उनका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना मटर पनीर का करते हैं। बिल्कुल, अब ये मटर पनीर की आप जब बात कर दी है और हमारे कुछ श्रोता लड्डू के फोटो भेज रहे हैं, हम अब क्या करें, हम वो फोटो देखें क्या प्रोग्राम करें, समझ में नहीं आता, आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप लड्डू भी देख सकते हैं, लड्डू कचौरी जलेबी ये मत भेजिए, अभी ये सब बाहर हम अभी खाएंगे, फिलहाल तो हम प्यार की बात कर रहे थे और आप भी कह रही थी कि जो प्यार है वो रुकना नहीं चाहिए, प्यार का जो की नदिया जो है वो बहती रहना चाहिए और ये तभी बहेगी जब आप प्यार बांटेंगे। बिल्कुल, तो दोस्तों ये प्यार तो बट ही रहा है रेडियो पर, ये जो हमारी तरंगे हैं विविध भारती की, इन तरंगों पर प्यार का रंग बरस रहा है, चल रहा है, इसी तरह से आज का हमारा ये कार्यक्रम जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हिट हो रहा है ये कार्यक्रम, बहुत से हमारे श्रोता मतलब हम इसलिए नहीं बैठे हैं। नहीं नहीं, हम तो बैठे हैं भाई। अच्छा, हम तो बैठे हैं। पहली बार तो अब समझ में आया कि दोनों की जो भावनाएं हैं, जो सिद्धांत है, उसी में बहुत 36 का आंकड़ा है क्या? ये मान नहीं रहे, लेकिन अभी हम जुबेर जी को भी आमंत्रित करते हैं, जुबेर जी से भी तो मुलाकात हो जाए। जुबेर जी से तो बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जुबेर जी देखिए अकेला ये फेसबुक का ये लाइव की बात नहीं है जी। ये जितने भी आप पोस्टर देखते हैं ना दोस्तों, जो फेसबुक पर आते हैं, ये हमारे जुबेर मियां का ही काम है, यही पूरा दिन बनाते और बिगाड़ते हैं, बनाते और बिगाड़ते भी हैं। कई बार ऐसा बिगाड़ते हैं कि फिर बोलना पड़ता है कि भैया, लेकिन अब चक्कर क्या होता है ना, श्रोताओं की प्यारी बुआ जी, ये करते हैं रात में ये काम। अच्छा, क्योंकि रात में तारीख बदलती है, अरे ये सारी उसी समय ये सारा काम करते हैं, तो मिल लो भैया, पहले मिल लो यार, हैप्पी दिवाली, आप सभी श्रोताओं को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज भैया खीर वीर सेवई की खिलाओगे कि नहीं? जरूर खाएंगे, हाँ खिलाएंगे। एक बात और जुबेर जी के बारे में बता दें कि जो हम लोगों ने उसे नाटक 3 अक्टूबर को नाटक किया था, 1 घंटे का 30 मिनट का सजीव, वो उसकी सारी बागडोर जुबेर जी ने संभाली थी, और उस दिन का जो हमारा कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम भी जो हमने सजीव किया, उसकी बागडोर आपने संभाली, और श्रोताओं ने भी उसको भरपूर सम्मान दिया, प्यार दिया, उतने ही हाथों हाथ लिया, प्यार से उसको सराहा है, और हम कहते हैं कि क्यों जुबेर जी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उस नाटक जो सजीव हमने किया और जिसको हमने फेसबुक पर डाला है, करीब 600 से ज्यादा तो शेयर्स हुए हैं उस नाटक के, और 41,000 से ज्यादा जी लोगों ने वो देखा जी, मतलब देखा है पूरा नाटक देखा, वो मतलब फेसबुक में एक ये व्यवस्था है कि अगर आपने थोड़ा सा देखा है तो उसका भी आ जाता है कि भाई ये सिर्फ थोड़ा देखा गया जी, और अगर पूरा देखा है तो वो भी आंकड़े उसमें आते हैं। तो 41,000 से ज्यादा लोगों ने उसे देखा है, आप लोगों ने देखा है, आपने प्यार दिया है, और वैसे भी जब नाटक सजीव पहले हुआ करते थे और बहुत दिनों बाद हमने ये कोशिश की कि अपनी परंपरा को कायम रखें और आपको बताएं कि कैसे पहले सजीव नाटक होते थे और किस तरह से उसमें इफेक्ट्स दिए जाते थे, ध्वनि प्रभाव दिया जाता था, संगीत दिया जाता था, हाँ उसमें जो पार्श्व संगीत था वो हमारा फेसबुक पर नहीं जा पाया, हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये गीत खत्म होने वाला है। और देखिए ऐसा है श्रोताओं की प्यारी बुआ जी, गीत जी। अभी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन मजबूरी हमारी कि हमें इसे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक और गाना सुनाएंगे, थोड़ी बातें भी हम करेंगे, भाई बातें करने का टाइम बहुत कम मिलता है, खाना मिलने वाला है आपको? नहीं ऐसा नहीं है, समय जो है हमने पहले ही कहा था कि समय बहुत बलवान है, बड़ा गतिवान है, अपनी गति से चल रहा है, हमें तो लग रहा है चार पैर चल रहा है क्या, समय के साथ ही चलना पड़ेगा, आज कुछ जल्दी जल्दी चल रहा है भाई, पता नहीं चला हमें 1 घंटा कैसे निकल गया, क्यों भाई छोटा बताइए, आप बता नहीं रहे हैं बराबर, हमको दिख नहीं रहा है ज्यादा कुछ कमेंट हमको, खैर कोई बात नहीं, गाने को तो भैया हम यहीं काट रहे हैं, अब आप नाराज मत होइएगा, ये लीजिए गाना तो कट गया, श्रोताओं आपसे नहीं कहा इन्होंने,
ये गाने से कहा है कि आपको काट रहे हैं, आप नाराज मत होइएगा। अब मतलब वही है कि आप किसी का कत्ल करो, बोले भैया माफ करना, तुम्हारा कत्ल कर रहे हैं। हमारा ऐसा इरादा नहीं था ऐसा। हमारा इरादा तो ये है बताने का कि जिंदगी जो है बड़ी ईश्वर की जो एक नेमत है जी, ईश्वर ने दी है, इसे सिर्फ खा पी के सो के गवाइए नहीं, कुछ अपने लिए जीना है आपको और कुछ दूसरों के लिए जीना है। दूसरों के लिए जीने की बात पर अच्छे चाचा एक बात है कि ये जो जीवन है ये पूरा इको है, प्रतिध्वनि है, हम जो चाहते हैं हम जो सोचते हैं वही प्रतिध्वनित होकर यानी इको होकर हमारे पास वापस आता है। जैसे कि अगर किसी घाटी में हम चले गए और हमने आवाज दिया अपना नाम तो वो नाम वापस आता है, अगर हमने कहा कि तुम बहुत गंदे हो तो वही वापस आता है, अगर हमने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं तो वो वापस आता है। तो ये जो सारी बातें हैं इनको हमें ध्यान रखना है और यानी कि हम प्यार लुटाते रहें, प्यार लुटाते रहें, प्यार लुटाएंगे तो प्यार मिलेगा, जैसा कि आपकी प्यारी बुआ ने अभी कहा कि इको है, जो दोगे वही मिलेगा। तो जो अगला गाना है प्यारी बुआ जी वो भी यही कह रहा है, क्या बता दें तुझे ये कैसे जिया जाता है। क्या बताएं, तो देखिए ये गाने में तो बताया जा रहा है क्या बता दें कि तुझे कैसे जिया जाता है। अब ये अंतिम गाना है आज के इस प्रोग्राम का, यानी ये जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। तो एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, एक बार फिर ये बात कि बहुत सावधानी रखिएगा, बहुत सावधानी रखिएगा, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अन्नकूट गोवर्धन पूजा भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को। बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले भी कहा कोरोना का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, कोरोना गया नहीं है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हाँ, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा व्यवस्थित बना कर रखिए, घर से जब भी निकलिए घर में वापस आइए तो सैनिटाइजर से हाथ साफ रखिए, सैनिटाइजर जब भी लगाइए तो पटाखे बिल्कुल मत छुड़ाइए, और पटाखे चलाते समय भी जब भी फोड़े जलाएं तो बुजुर्गों का, बच्चों का, जानवरों का, सबका ख्याल रखें, आप कहीं अस्पताल के नजदीक तो नहीं रहते हैं, इन सब चीजों का भी ख्याल रखें क्योंकि सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, अपनी अपनी सुविधाएं हैं, उन सबका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चों का भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है जैसे कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि पटाखों का कम से कम उपयोग करना है, मतलब इस बात को हमें अपनी समझदारी से लेना है। हाँ, इसको ये ना समझे कि कहीं शासन अनुशासन ने कुछ कहा है, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सारी चीजों का ख्याल रखें, और खासतौर से मास्क जब हम पहन रहे हैं तो ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है, तो जब प्रदूषण और हो जाएगा तो समझिए कि तकलीफ सांस की और बढ़ जाएगी, तो इसलिए ज्यादा ख्याल रखें। और जो कोरोना के मरीज होते हैं उनको भी सांस की तकलीफ होती है, फेफड़े में ही तकलीफ, तो प्रदूषण की वजह से हवा में वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इससे कोरोना के मरीजों को ज्यादा तकलीफ हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। और हाँ, ये जो हमारा आज घड़ी का ख्याल करें, घड़ी का ख्याल हमारे को है, आप चिंता ना करें, हम समय पर इस गाने का गला काट देंगे। नहीं, आप कृपा करके ऐसा ना करें, बिल्कुल समय से हम लोगों ने चलाया है, समय गला काटने की जरूरत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम एक बार श्रोताओं से अभी विदा लेंगे नहीं लेंगे, हम तो इन्हीं का मुंह देखते रहते हैं। देखिए ऐसा है कि फिलहाल गाने को हम यहीं रोकते हैं और फेसबुक और श्रोताओं सभी से एक साथ जुड़ जाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमें, वैसे तो हमने बता दिया जी, सबसे हमने रूबरू सामने मुलाकात करवा दी, बात करवा दी, हमने वैसे भी कहा था कि हम बातें करेंगे मुलाकातें करेंगे। तो दोस्तों ये गाना तो हो गया खत्म, फिल्म दोस्त का ये गाना आपने सुना, और इस गाने में बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमारे कहे बिना आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, और अब समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, बस हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीते, आपका दिन बहुत अच्छा बीते, अगला जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा बीते, कोरोना से पूरे विश्व को मुक्ति मिल जाए यही कामना है, यही सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इसी तरह से हर वर्ष आपके साथ दीपावली मनाते रहें, और हम जल्दी ही फिर आपसे, हो सकता है सजीव नाटक के माध्यम से फिर से जुड़ेंगे आपसे, तो कुछ इस तरीके के नए नए कार्यक्रम लेकर विविध भारती आपके लिए आती रहेगी, तब तक के लिए हमें रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत दुबे आपसे अब विदा लेते हैं, यानी आपके अच्छे चाचा और प्यारी बुआ, अब उनका अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार कीजिए, और विविध भारती के साथ अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए और सुनते रहिए
आपकी अपनी विविध भारती।